तो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ नार्जो 10A पर गेमिंग रिव्यू। कल हम लोग नार्जो 10 पर गेमिंग रिव्यू किया था और हम लोग आज करेंगे नार्जो 10A पर गेमिंग रिव्यू। सो गाइस, इसका एक फुल अनबॉक्सिंग भी हम लोग हमारा चैनल पर डाला हुआ है, तो वो वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात किया है, तो इस वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा। तो अभी यार इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे इसका एक गेमिंग रिव्यू। तो चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो ओवरऑल इसका बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसी अनबॉक्सिंग में मैं कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ। सो आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह जानना है तो आप आई बटन में वो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगा इसी नार्जो 10A का फुल अनबॉक्सिंग वीडियो का। तो ओवरऑल मैंने बॉक्स को दिखा दिया, बॉक्स को ओपन कर लिया, बॉक्स की साइड वगैरह पर नार्जो 10A लिखा गया है। तो ओवरऑल ये आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, इसी बॉक्स के ऊपर एक लिड जो कुछ इस तरह से हर कोई जानते हैं इसके अंदर क्या होगा, सिम इजेक्शन पिन कवर वगैरह, तो जिसको मैं दिखा के वो नहीं करूंगा, उसलिए वीडियो को स्किप कर दिया हूं इसे। तो उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा एडेप्टर, सब कुछ एक करके आपको दिखाने वाला हो, रुक जाओ सिर्फ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एडाप्टर देखने को मिलता है, गेमिंग रिव्यू भी करेंगे, रुक जाओ, पबजी टेस्ट। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक डेटा केबल्स ओवरऑल, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और ओवरऑल डेटा डिवाइस कुछ इस तरह से होने वाला है, वाटर डॉग नॉच के साथ आने वाला है। कितना मेगापिक्सल का फ्रंट साइड पर कैमरा होगा, डिस्प्ले कौन सा, मतलब कितना बड़ा होगा, साइज कितना है, सो उस सब के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट लिंक है इसी वीडियो का, इसी फुल अनबॉक्सिंग का, तो जाके देख लो। बैक साइड पर ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, रेयर माउंट पर फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ओवरऑल कुछ इस तरह से होने वाला है। तो अभी यार हम लोग इसमें गेमिंग रिव्यू शुरू करेंगे। तो फायदा इसका सेटिंग के बारे में बात करें तो HD और हाइपर चलता है, और स्मूथ और हाइपर चलता है, बैलेंस और हाइपर चलता है। इससे आगे सेटिंग नहीं जाता, ना कम होता है ना आगे जाता है, शायद अपडेट में कुछ कर सकते हैं इससे आगे वाला कोई ग्राफिक्स लेके आता है। पहले हम लोग HD और हाइपर खेलेंगे, उसके बाद हम लोग स्मूथ और हाइपर खेलेंगे। तो हम लोग वीडियो को इसे स्किप कर दिया, एक मैच स्टार्ट कर लिया, और अभी आप लोग मैच देख सकते हो। इसमें तो हल्की फुल्की लैग तो देख रहे हैं, तो FPS प्रॉपर नहीं दे रहा है, मेरे हिसाब से 30 से 35 FPS दे रहा है, उससे भी कम होगा शायद, लेकिन स्मूथनेस उतना नहीं लग रहा है। अभी ग्राफिक्स वगैरह कैसा आ रहा है ये सब चीज़ों आप देख सकते हो, मैंने वीडियो कहीं से स्किप कर दे, तो आप वीडियो का मजा लो। चेंज करते हैं सेटिंग, तो जैसे कि देख सकते हो हम लोग HDR और हाइपर खेल रहा था, अभी हम लोग इसे बैलेंस और हाई कर देते हैं, और अभी एक गेम प्ले आपको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं, एज यू कैन सी, अभी तो लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन हल्की फुल्की मेरे हिसाब से स्मूथनेस उससे बेटर हुई है, एंड उतना भी स्मूथ नहीं है। तो आप अभी ये जो गेम प्ले है ना, कैसे ग्राफिक्स वगैरह ग्राश वगैरह कैसे आ रहा है, आप इसका मजा ले सकते हो, कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है इसका, लैग वगैरह आ रहा है क्या, आप देख सकते हो। This to last. Said you wanted honest. I'm giving you my hand. यही था इसी नार्जो 10A पर गेमिंग रिव्यू। आपको कैसा लगा जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही दिखाना था, इतना ही बताना था। और टाटा, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय।